हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड सेकेंड एंड सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ लेसन नंबर 9। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू? टेल द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर शोन बिलो। वन हैज़ बी डन फॉर यू, यानी हमको एक करके बताया है, आगे आपको करना है। तो सबसे पहले जो हमको बताया है वो देखेंगे हम। 1, 2, 3, 4, यानी ये 4 है, यानी कितने टेंस है ये 4, 1, 2, 3, ये 3 है। और प्लेस वैल्यू मीन्स क्या आते हैं? प्लेस वैल्यू यानी प्लेस, सबसे पहले जगह कौन सी होती है। जैसे हम फर्स्ट बेंच पे सेकंड बेंच पे बैठते हैं, इसी तरह ये नंबर्स के भी जगह होते हैं, उनकी भी प्लेस होती है। तो वो प्लेस कौन सी है? तो अगर नंबर 2-डिजिट नंबर है तो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है उसको हम, उसकी प्लेस को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। और जो सेकंड वाला नंबर होता है यानी उसकी उसकी प्लेस को हम टेंस बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट नंबर होता है उसको यूनिट बोलते हैं राइट साइड से, और फिर उसके बाद जो राइट साइड के बाद वाला जो नंबर होता है 10, वो उसको हम क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं वाले प्लेस को। तो ये हो गया उसकी प्लेस, और उसकी वैल्यू क्या है? 4 टेंस है, तो इधर इसकी वैल्यू क्या आएगा? 40 आएगा। इसी तरह 1, 2, 3 है, तो इसकी प्लेस तो है यूनिट, बट उसका नंबर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है? 3 है। इसी तरह हमारा ये है, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 है, ये इसका 8 टेंस है, यानी इसकी प्लेस क्या है? टेंस है। और 8 की वैल्यू क्या आएगी? ये टेंस है, इसके लिए 8080 होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट नंबर में। और ये जो है यूनिट है, ये 1 है, सिंगल नंबर है। यूनिट यानी सिंगल नंबर, जो 0 से 9 तक होते हैं वो सिंगल यूनिट नंबर होते हैं, तो ये 1 है। ठीक है, इसके बाद ये सिर्फ यूनिट दिया है हमको सिंगल, तो 1, 2। इसी तरह इसी के बाद भी 2 हमको यूनिट्स दिए हुए, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमने 5 लिखे यहाँ 2। इसी तरह ये देखिए, ये कितने हैं? 10, 0, 0 सिंगल सिंगल बिट्स के बने हुए हैं, 10, 1, ये 2, तो ये 2 है, इसकी प्लेस तो टेंस है, पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 20 आएगी। इसका भी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है, तो इसकी वैल्यू भी 7 ही आएगी, क्योंकि यूनिट सिंगल ही होते हैं। अंडरस्टूड? इसी तरह टेल द प्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइन, हमको ये जो अंडरलाइन किया हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू बताना है हमको, इसकी प्लेस वैल्यू। ये क्या है? यूनिट, और ये क्या है? 10। ये हमेशा याद रखना, राइट साइड में पहला जो नंबर रहता है इसका यूनिट बोलते हैं, उसके बाद हमारा 10 होता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ क्या है? 7 है, एज इज़ इन द डैश प्लेस, तो कौन से प्लेस पे है? वो यूनिट प्लेस पे है। इसी तरह सेकेंड नंबर है यूनिट, और ये 10, ये 10 पे है, ये कौन से प्लेस पे है? 10 पे, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 7070 होगी, क्योंकि वो टेंस है, 7 टेंस यानी 70 टेंस, यानी 10 यानी 10 उसको काउंट करना है, यानी टेंस लगाना है, उसको आगे जीरो लगाना है आपको। ठीक है, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70, एज इज 7 इन द टेंस प्लेस, किसकी प्लेस पे है? 10। इसी तरह देखो, ये एक और मैं एग्जांपल बताती, ये 61 and 16, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? ये सिंगल है, जो प्लेस है वो यूनिट पे है, इस और ये भी यूनिट पे है, तो दोनों की प्लेस वैल्यू जो होगी, सॉरी, जो नंबर है वही होगा। जैसे 1 है तो 1 होगा, 6 है तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों का प्लेस जो है ये यूनिट है। कौन से प्लेस पे है? दोनों भी यूनिट पर है। अंडरस्टूड? इसी तरह 33 है और 29 है। 33 जो है उसकी जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका प्लेस कौन सा है? टेंस पे है। और इधर 2 किसकी प्लेस पे है? टेंस, क्योंकि ये यूनिट हो गया, ये टेंस है, दोनों की प्लेस कौन सी है? टेंस है। और इन लोग की वैल्यू क्या होगी? 3 की, टेंस पे है इसलिए 30 होगी, और 2 की प्लेस भी टेंस है इसलिए 20 होगी। और दोनों की प्लेस कौन सी होगी? टेंस टेंस पे, यानी उन लोग की जगह कौन सी है, कौन सी जगह पर बैठते हैं वो लोग? टेंस पे। इसी तरह यहाँ देखो, 9090 है और ये 9090 दोनों हैं, बट उसका जो फर्स्ट उसका अंडरलाइन किया हुआ है ये यूनिट पे किया हुआ है, यहाँ 10 पे किया है। अब ये ज़ीरो जो है उसकी प्लेस है, प्लेस कौन सी? यूनिट है, तो उसकी वैल्यू भी ज़ीरो ही होगी और उसकी यूनिट प्लेस होगी। लेकिन 90 है तो इसका 9 जो है जो टेंस पे है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 9090, और कौन सी प्लेस पे है? वो टेंस पे है। इसी तरह 10 सेम वैसी है, 0 जो है वो उसकी प्लेस है, सॉरी 0 है वो उसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो कौन से प्लेस पे है? यूनिट के प्लेस पे, जो यूनिट के प्लेस पे होता है, तो हमको वो सीधा वही नंबर लिखना है, यानी 0
और यूनिट. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू. इसी तरह राइट द प्लेस वैल्यू ईच डिजिट द फॉलोइंग नंबर्स. हमको जो 11 है 11 को हमको अलग अलग करना है, यानी जो यूनिट है ये 1 ये वहाँ लिखना है, और ये दूसरा जो टेंस पे 1 है उसको हमको 1010 लिखना है. अंडरस्टूड. ये क्योंकि वो 10 की वैल्यू पे है, क्योंकि 10 की प्लेस पे है वो. तो ये हो गया 68. तो हमने ये 8 को यहाँ लिखिए, और जो 68 है, तो 6 जो है ये 6 नंबर है वो 10th की प्लेस पे है, इसलिए इसको हमने 6060 लिखे, क्योंकि उसकी वैल्यू उधर 60 होती है. इसी तरह 44, तो 44 का जो फर्स्ट है वो 4 वो यहाँ आएगा, और ये जो 10th पे 4 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4040. ये 8080 है तो 0 उसकी यूनिट है इसलिए 0 आएगा, और जो ये 10th पे है इसलिए 80 आएगा. इसी तरह 1717 फर्स्ट यूनिट 7 है, तो ये 7 यूनिट 7 है वही नंबर लिखना है, बट 10 है ये 1, तो 10 यानी 1010. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.